नयन भाई रायगढ़ और इस कोकण बेल्ट के जितने भी प्रकल्पग्रस्त हैं उनके लिए आज बहुत बड़ा खुशी का मौका है, इसलिए कि राज्य सरकार ने नयन भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीवा पाटिल साहब का नाम घोषित कर दिया है। कैबिनेट में उसके ऊपर मंजूरी भी मिल गई है, जीआर जल्दी निकलने वाला है और इसीलिए आज प्रकल्पग्रस्त बेहद खुश है। इस वक्त हमारे साथ स्वयं दिवंगत दीवा पाटिल साहब के सुपुत्र अतुल पाटिल जी, हम इनसे पूछते हैं कि राज्य सरकार का जो निर्णय है वो कितना इनके लिए आनंददायी है। सर क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। आज जो निर्णय हुआ है नवी मुंबई एयरपोर्ट को दीबा पाटिल साहब का नाम देने का, उसके लिए सबसे ज़्यादा खुशी आज मुझे होनी चाहिए और है भी, क्योंकि मैं दीबा पाटिल साहब का सुपुत्र पुत्र हूँ। बट इससे भी ज़्यादा महत्व ये लगता हूँ, मायने ये मैं ये रखता हूँ कि दीबा पाटिल साहब के नाम से जो पूरी जनता प्रकल्पग्रस्त भूमिपुत्र जो इकट्ठा हुई वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि अगर हम 5, 10, 100, 50, 200 लोग कोई आंदोलन करते थे उसमें इतनी धार नहीं आती थी जितनी ये सब लोग जो गए साल आपको मैंने एक बार इंटरव्यू भी दिया था, वो टाइम भी मैंने ये बताया कि नहीं ये तो नाम लगेगा ही। बट ये जो लोग है जो इकट्ठा लाखों की संख्या में हुए थे, परसों भी लाखों के में नहीं लेकिन बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे, ये सब की वजह से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को एक डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं दीबा पाटिल साहब का नाम अपने को देना पड़ेगा। और मैं खास करके मंत्रिमंडल जो है महाराष्ट्र का, उसके जो मुख्यमंत्री है उनका मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने कल उसका ऐलान किया और उसका जो ठहराव है वो आज मंजूर भी कर दिया। मंत्रिमंडल जो मिनिस्ट्री की बैठक होती है उसमें ठहराव दिया। मैं फिर एक आपके माध्यम से सभी प्रकल्पग्रस्तों का, सभी भूमिपुत्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव साहब ठाकरे का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी जो कमेटी है, जो कमेटी इसके लिए हमेशा झगड़ रही थी, वो कमेटी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और हमेशा आभारी रहूँगा। और आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपका जो प्यार दीबी पाटिल साहब के परिवार को जो मिला है वो ऐसे ही हमारे ऊपर रखो। दीबा पाटिल साहब का बंगला जो संग्राम घर है वो दरवाजे के द्वार हमेशा सबके लिए खुले है। जय हिंद। थैंक यू। सभी का अभिनंदन और आभार। सारे प्रकल्पग्रस्त संगठनों के जो प्रतिनिधि है वो कर रहे हैं, उनका कहना है कि ये पहला चरण है आनंद का, जो अंतिम चरण होगा जब केंद्रीय सरकार इस एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल का नाम फाइनल कर देगी, घोषित कर देगी, तब वो आनंद का आखिरी चरण होगा और तब सही मायने में माना जाएगा कि वाकई जो संघर्ष हुआ उस संघर्षों को सही मायने में सफलता मिली है। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, टीवी वन इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।